Hello everyone, welcome back on my channel. In this lecture, we are discuss about the next question of linear equation in two variable. Now question is x upon 3 plus y upon 4 is equals to 4. And second equation is x upon 2 minus y upon 4 is equals to 1. Now this question is available in the fraction form. So at that time, we are solve this equation by cross multiplication method. Now consider the equation 1, x upon 3 plus y upon 4 is equals to 4. Okay. Now ये equation में cross multiply करना है मुझे. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 into x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x plus 3 into y is 3y upon 4 threes are 12. Okay. Now ये 12 को यहाँ पे भेज दो तो क्या हो जाएगा multiply. तो यहाँ पे आ जाएगा 4x plus 3y is equals to 4 multiply with 12. So your answer is 4x plus 3y is equals to 48. Okay. This is your equation number 1. Okay. Now the equation number 2 is x upon 2 minus y upon 4 is equals to 1. Sure. अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स 4x माइनस 2y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1. सो 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विथ 8. सो योर आंसर इज 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8. ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन. क्लियर है ना? ये इक्वेशन सॉल्व करने तो हमें आता है. कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4x है. वेट अ मिनट, यहाँ पे भी 4x है और यहाँ पे भी 4x है. तो चलो, दोनों जब कोएफिशिएंट मैच होते हैं तो साइन चेंज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ओके, चलो. Now second equation is 4x minus 2y is equals to 8. इसको माइनस कर देना है किसमें से? पहले इक्वेशन में. सो 4x plus 3y is equals to 48. चलो, नाउ अब यहाँ पे माइनस है तो सारी साइन क्या हो जाएगी? चेंज. ओके, नाउ हमें पुरानी साइन से लेना देना है, पुरानी साइन से लेना देना नहीं है, नई साइन पे फोकस करना है. ये दोनों कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 5y is equals to, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस. ओके, सो 48 माइनस 8 इज 40. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 5. तो y की वैल्यू आ जाएगी 8. y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 8. y की वैल्यू 8 आई तो उसको कहीं पे भी सब्सिट्यूट कर दो. इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ. इक्वेशन 1 है 4x plus 3y is equals to 48. You know that कि 3 मल्टीप्लाई विथ y की वैल्यू क्या है? 8. तो यहाँ पे आ जाएगा 4x plus 24 is equals to 48. ओके, नाउ यहाँ पे आ गया 4x is equals to 48 minus 24. जब इसको माइनस करोगे तो भी आंसर वही आएगा. तो यहाँ पे आएगा 4x is equals to 24. therefore x is equals to क्या हो जाएगा? 6. कैसे? 4 1 जा 4, 6 जा. क्लियर है? तो यहाँ पे आपको x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई. नाउ हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन दिया है x upon 3 plus 5y is equals to 13. नाउ यहाँ पे अगर ये इक्वेशन देखो ना तो ये क्या है? x upon 3 plus 5y is equals to 13. मुझे 3 को डिनोमिनेटर से हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ओके, सारे टर्म को क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 3 मल्टीप्लाई विथ x अपॉन 3 प्लस 5y मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई विथ 3. बराबर है? चलो, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 39. ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. तो इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को. चलो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दिया है? सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x plus y upon 2 is equals to 19.
ओके 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 19, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई विथ 2, ओके चलो अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 38, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, बराबर है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट क्या है, एक मिनट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट x है, यहाँ पे 4x है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट उसके पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 39, और सेकेंड इक्वेशन है मेरा 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 39, बराबर। चलो नाउ इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 60y इज इक्वल टू 39, 4 जा हो जाएगा 156, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके यहाँ पे 4x और ये 4x क्या हो गए, सेम कोएफिशिएंट हो गए, बराबर है। चलो नाउ सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 60y इज इक्वल टू 156 माइनस 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 39, बराबर है। चलो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ये 39 नहीं, यहाँ पे 38 है, सॉरी यहाँ पे 38 है। चलो नाउ यहाँ पे 156, यहाँ पे आ जाएगा 38। अब यहाँ पे सारी साइन चेंज कर दो, पुरानी साइन भूल जाओ, 60 माइनस 1 इज 59y, और अगर मैं 156 में से 38 माइनस कर दूं तो आंसर आएगा 118, 59 वन जा 59 टू जा, y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2, y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2, y की वैल्यू 2 आई, तो x की वैल्यू तो कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 39, देयरफॉर x प्लस 15 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल्स टू 39, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9, क्लियर है। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा काम नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम, तो कैसे करेंगे, तो देखिए साथ काफी सिंपल है, 2 को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन x, 3 को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 13, 5 को स्प्लिट करके लिखो 1 अपॉन x, 4 को स्प्लिट करके लिख लो 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस 2, बराबर है। नाउ आपको यहाँ पे 1 अपॉन x कॉमन दिख रहा है, एक मिनट, 1 अपॉन x और यहाँ पे 1 अपॉन x कॉमन दिख रहा है, 1 अपॉन y यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, सो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n, तो आपका इक्वेशन बनेगा 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13, ये देखिए पहला इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन बनेगा 5m माइनस 4n इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, बराबर। चलो ये पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है। तो यहाँ पे आएगा 8m प्लस 12n इज इक्वल्स टू 52, और यहाँ पे आ जाएगा 15m माइनस 12n इज इक्वल्स टू माइनस 6, बराबर। अब देखो दोनों की साइन ऑपोजिट थी, तो मैंने क्या कर लिया, एड, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ गया 23m इज इक्वल्स टू 46, वन जा एंड टू जा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2, m की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर है, m की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई यहाँ पे, 2,
अब m की वैल्यू मिली तो n की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो 2m plus 3n is equals to 13, m की वैल्यू आपको पता है 2, so 2 multiply with 2 plus 3n is equals to 13, so 3n is equals to 13, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4, 3n is equals to 9, therefore n की वैल्यू आएगा 3 1 3 3, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बराबर। चलो अब लास्ट स्टेप देखो, मुझे 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू m लिया था एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n लिया था। अब मेरे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर में 1 लिख लो, 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 3, डिनोमिनेटर में 1 ले लो। अब इसका क्या कर दो, उल्टा मतलब इन्वर्ट अंडू, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ये लेक्चर अच्छे से देखो और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ।